आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 63,197 पहुंच गया है, वहीं 1,033 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। मौसम विभाग ने आज प्रदेश का मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज मौसम शुष्क रहेगा, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है, जबकि हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि डीजल के दाम घटे हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82.07, वहीं आज के दाम है 81.87। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71.19, वहीं आज के दाम है 70.99। हरिद्वार की बात करें तो कल हरिद्वार में पेट्रोल के दाम थे 81.42, वहीं आज के दाम है 81.53। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.59, वह आज के दाम है 70.79। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82.08, वहीं आज के दाम है 82.09। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71.13, वहीं आज के दाम है 70.07। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम त्रिवेंद्र का दौरा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान सीएम श्री हरिचांद गुरुचांद धर्म मंदिर दिनेशपुर में स्वामी गोपाल महाराज ब्रह्मचारी को श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। हरिद्वार डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर शाम 6 बजे सेक्टर 4 BHEL में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी स्वरोजगार दिवाली महोत्सव के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन। युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूछता है उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से युवा कांग्रेस ऋषिकेश में 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेगी। ग्रामीणों का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में चैसर गांव को जोड़ने वाली सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। वहीं विस्थापन की मांग को लेकर मुनसारी के आपदा प्रभावित भी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। नेपाल दौरे पर आर्मी चीफ। भारतीय सेवा प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा पर काठमांडू पहुंचेंगे। इस दौरान वह नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। वर्तमान में PM ओली के पास ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। आज बंद होंगे तृतीय केदार के कपाट। आज बंद होंगे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट। सुबह 11:30 बजे विधि विधान के साथ कपाट बंद किए जाएंगे, जिसके बाद प्रथम रात्रि प्रवास के लिए डोली चोपता पहुंचेगी। घात लगाए भालू ने महिला पर किया हमला, हालत गंभीर। पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक में चारा पत्ती लेने गई महिला पर घात लगाए भालू ने अचानक हमला कर दिया। ऐसे में हमला होते देख महिला के साथ चारा पत्ती लेने गई उसकी बहू ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भालू घायल महिला को छोड़कर वापस जंगल में लौट गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल महिला को PHC पोखरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार देकर उसे डॉक्टर ने हायर सेंटर कोटद्वार रेफर कर दिया है। बेल्जियम में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी। कैंट थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारत नेपाल सीमा पर वन कर्मियों पर तस्करों ने की फायरिंग, वन कर्मी घायल। भारत नेपाल सीमा पर गश्त कर रहे वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने फायर झोंक दिया। इस मुठभेड़ में एक वन कर्मी घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्यवाही में हुई फायरिंग के बाद तस्कर मौके से नेपाल की ओर फरार हो गए। घायल वन कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि वन विभाग ने झनकैया थाने में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। SOP जारी होने के बाद भी नहीं खुले निजी स्कूल, कारण बताओ नोटिस। प्रदेश सरकार द्वारा जारी SOP के तहत 2 नवंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूल खुलने थे। सरकारी स्कूल तो खुले, लेकिन निजी स्कूल 2 दिन के बाद भी नहीं खुल सके। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। अस्पताल परिसर में घुसे गजराज, लोगों की अटकी सांसें। हरिद्वार स्थित भेल के अस्पताल परिसर में जंगली हाथी घुस गया। अस्पताल परिसर में हाथी के आने से हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मचारियों के शोर मचाने के बाद हाथी वापस जंगल में लौट गया। गजराज के बाद सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया गुलदार, लोगों में दहशत। हरिद्वार के भेल क्षेत्र के हीप डिफेंस बाउंड्री वॉल के पास एक गुलदार सड़क पर घूमता हुआ कैमरे में कैद हुआ, जबकि बीती शाम एक हाथी भेल अस्पताल परिसर में पहुंच गया था। राजस्व विभाग ने दबोचा 7.25 लाख का बकायेदार, पहुंचा हवालात।
काशीपुर के धीमरखेड़ा गांव में कृषि भूमि को ठेके पर लेने के बाद एसडीएम को चेक सौंपने वाले आरोपी शाहिद को राजस्व विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का चेक बाउंस हो गया था जबकि उस पर 7.75 लाख का बकाया है। बेरीनाग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जेबीटी की हुई जय। बेरीनाग में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जेबीटी की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में जेबीटी के ने नरगोली को 3-0 से शिकस्त दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बाइसाइकिल रैली का होगा आयोजन। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास से सुबह 6 बजे हरी झंडी दिखाकर बाइसाइकिल रैली को रवाना करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर साइकिल रैली से पहले सभी साइकिल सवारों की स्वयंसेवक थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। विदेशी पटाखे बैन। उत्तराखंड में विदेशी पटाखे पूरी तरह से बैन, बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड में चाइनीज समेत सभी देशी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेशी पटाखे बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत में निर्मित पटाखों की बिक्री पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। महिला आयोग ने की उपाध्यक्ष ज्योति सा मिश्रा ने ग्रहण किया पदभार। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति सा मिश्रा ने देहरादून स्थित महिला आयोग के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करेंगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 3 दिन में शुरू। प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त करीब 1500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 3 दिन में जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को आदेश दिए हैं। हरिद्वार में घर में सो रही लड़की पर केमिकल फेंका। घर में सो रही किशोरी के चेहरे पर केमिकल फेंक कर अज्ञात युवक फरार हो गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पथरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता का चेहरा झुलस गया है। केदारनाथ में बर्फबारी, मुनसारी में शीतलहर। केदारनाथ धाम में मंगलवार तड़के बर्फबारी की चादर ओढ़ ली है। हालांकि धाम में यह सीजन 3री बर्फबारी थी, लेकिन मंदिर और आसपास के क्षेत्र में इस सीजन में पहली बार बर्फ जमी। बर्फबारी में धाम का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री पर पहुंच गया। देहरादून में ऑडिबन लागू करने पर विचार। देहरादून में जाम की समस्या को देखते हुए ऑडिबन व्यवस्था लागू हो सकती है। आईजी अभिनव कुमार ने कहा कि यदि समस्या में विकराल रूप लिया तो इस पर विचार किया जा सकता है। त्रिवेंद्र करेंगे डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण। टेही झील पर बने डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण 8 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत करेंगे। राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में 9 और 10 नवंबर को मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का भी दौरा करेंगे। 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, किशोर पर केस। कैंट क्षेत्र में 4 साल की मासूम के साथ पड़ोसी किशोर ने दुष्कर्म किया। कैंट कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। मसूरी में गाय के गोबर से दिए तैयार कर रहे ग्रामीण। मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत भद्रीगार्ड रेंज के बोट गांव में धात्री स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर से वैदिक दिए और गमले बनाए जा रहे हैं। इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। गढ़वाल में करवा चौथ के लिए बाजार गुलजार। करवा चौथ त्योहार को देखते हुए शहर क्षेत्र में बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी, मास्क के प्रति भी लापरवाही देखने को मिली। वहीं पुलिस प्रशासन इन सभी बातों के प्रति लापरवाह बना रहा। हालांकि एसएसपी पौड़ी ने फौरी तौर पर अपने वाहन से शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मिले पौराणिक पत्थर। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार को पौराणिक पत्थर मिले हैं। पत्थर कई 100 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। पत्थरों में कई भाषाएं लिखी हुई है। पुरातत्व विभाग को इन पत्थरों की फोटो भेज दी गई है। उधर गंगा सभा में इन पत्थरों को शीशे में रखने का निर्णय लिया है। यह पौराणिक पत्थर ब्रह्मकुंड की सीढ़ियों में मिले हैं। हरिद्वार के पुराने लोगों की माने तो करीब 150 साल से इन सीढ़ियों को ऐसे ही देखा जा रहा है।